अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अहमद नजीब और डेली रिवाइंड की एक नए एपिसोड के साथ आपके खिदमत में हाजिर हैं। इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका पहला ओडीआई मैच, श्रीलंका ने की पहले बैटिंग तो बैटिंग रेस की दीवार साबित हुई। कोशाल परेरा और वनिंदु हसरंगा ने निर सेंचुरियां तो बनाई लेकिन कोई और बैट्समैन टिककर ना खेल सका और 185 रन पर ही ढेर हो गई श्रीलंका की टीम। इंग्लैंड की तरफ से क्रिस फोक्स ने जबरदस्त इकोनॉमिकल स्पेल किया जिसमें 5 बैट्समैन शामिल थे और 4 खिलाड़ी को भी आउट किया। जवाब में इंग्लैंड ने फ्लाइंग स्टार्ट लिया, बीच में बैक टू बैक विकेट गिरने की वजह से थोड़ा सा प्रेशर आया लेकिन जो रूट की बेहतरीन इनिंग्स ने एंकर किया उनको और टीम को जितवा के रख दिया और इस तरह पहले एक रोजा मैच में 5 विकेटों से इंग्लैंड ने श्रीलंका को चित कर दिया। ओमान और यूएई होस्ट करेंगे T20 वर्ल्ड कप को। T20 वर्ल्ड कप 2021 होस्ट करेंगे अब ओमान और यूएई और ऑफिशियली अब यह कंफर्म हो चुका है। क्वालिफाइंग राउंड होगा ओमान में जबकि बाकी मैचेस होंगे यूएई में और जो वेन्यू सेलेक्ट किए गए हैं यूएई के उसमें अबू धाबी, शारजा और दुबई शामिल है। यानी इस T20 वर्ल्ड कप में बहुत सारा मजा आने वाला है। लसित मलिंगा ने लगाई श्रीलंका के T20 स्क्वाड में वापसी की उम्मीद। लसित मलिंगा जो मार्च 2020 से इंटरनेशनल क्रिकेट से आउट हैं वो काफी कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं कि वो अब T20 क्रिकेट में वापसी कर सकते हैं, लंबे स्पेल कर सकते हैं और अपने फिटनेस के रिलेटेड इश्यूज को उन्होंने बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया है और वो इस हवाले से भी पुरउम्मीद हैं कि वो T20 वर्ल्ड कप में श्रीलंकन टीम का हिस्सा होंगे। श्रीलंकन प्लेयर्स पड़ गए मुश्किल में। श्रीलंका के 3 अहम प्लेयर जिन्होंने बायोस्फीयर बबल को ब्रीच किया था और उनको वापस अपने मुल्क भेज दिया गया था उन पर 3 माह से लेकर 1 साल तक की पाबंदी लगने का इम्कान है। पहले वो श्रीलंका में क्वारंटीन करेंगे 14 दिन का, उसके बाद उनको इंक्वायरी का सामना करना पड़ेगा और श्रीलंकन क्रिकेट हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि उनके प्लेयर्स ने इकोनॉमी क्लास में सफ़र किया है, यानी खूब सजा मिली। आइंदा नहीं करेंगे बायोस्फीयर बबल ब्रीच। आई होप कि आपको आज के एपिसोड पसंद आई होगी। अगले एपिसोड में कुछ नई खबरों के साथ आएंगे। अपना ख्याल रखें।